तो फिर से मैंने एक हफ्ते में 50,000 का कैपिटल इस्तेमाल करके 25,000 का रिटर्न जनरेट किया है। अब अक्सर मेरे से लोग पूछते हैं एज एन ऑप्शन बायर, सर मैं 1,00,000 से कितना जनरेट कर सकता हूँ, मैं अगर 50,000 डालता हूँ कितना रिटर्न मिल जाएगा, मैं 10,000 डालता हूँ कितना रिटर्न मिल जाएगा। तो आज मैं आपको ये लाइव ट्रेडिंग वाला जो भी वीडियोस थी वो PNL के साथ एक एक ट्रेड एक्सप्लेन करके पूरे हफ्ते का ट्रेड समझाऊंगा। नाउ इससे आप आइडिया लगा सकते हो, मैं नहीं कहता हूँ कि एक्यूरेट है, मैं नहीं कहता हूँ कि ऐसे रिटर्न आपको हर हफ्ते मिलेंगे या फिर हर महीने मिलेंगे, बट ये आइडिया आप लगा सकते हो कि क्या पॉसिबल है अगर आप ऑप्शन बायर बनते हो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करते हो, तो क्या क्या चीजें पॉसिबल है, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम PNL। PNL अगर आप हम इस हफ्ते का देखें 19 तारीख से लेकर 24 तारीख तक का, अब मैं एक बार रिफ्रेश भी कर देता हूँ जिनको अंधविश्वास होता है, रिफ्रेश कर दिया मैंने, तो यहाँ पे हमने टोटल आपका 5 ट्रेड लिए थे, 5 ट्रेडिंग डेज थे, 5 ट्रेड लिए जिनमें से हमारा 3 प्रॉफिटेबल था, 2 लॉस में था। ठीक है, प्रॉफिट जब हमारे हुए थे तो 9.5K, देन लॉस 2.4K, देन 9.2K प्रॉफिट, देन 9.9K प्रॉफिट एंड अगेन 1.5K लॉस। ठीक, अब अगर देखोगे तो हमारा 25 के आसपास प्रॉफिट है रियलाइज। PNL चार्जेस एक्स्ट्रा लगे हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमने ट्रेड कई ज़्यादा एक्सिक्यूट किए थे, मार्केट बहुत वोलाटाइल था, तो उसमें कुछ वोलेटिलिटी में हमने ट्रेड भी एक्सिक्यूट ज़्यादा किए थे, दैट्स वाई चार्जेस थोड़े ज़्यादा हैं। अगर आप चार्जेस भी देखोगे तो 1220 रुपये अराउंड ब्रोकरेज है, बिकॉज हमने ट्रेड ज़्यादा एग्जीक्यूट किए थे, विच इज़ नॉट गुड, इस पर थोड़ा हमें काम करना पड़ेगा। एंड नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 22K के आसपास हमारा नेट प्रॉफिट है। ठीक है, हर एक दिन जितने भी हमने ट्रेड लिए हैं, जो लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर आ चुकी हैं, आप जाके शॉर्ट्स भी देख सकते हो, जो फुल वीडियोज हैं वो भी देख सकते हो। ओके, हर दिन हमने 50,000 से ज्यादा कैपिटल कभी इस्तेमाल नहीं किया। मेजॉरिटी केसेस में आप देखोगे 50,000 का ही कैपिटल इंप्लीमेंट किया गया है 50,000 का कैपिटल ही डिप्लॉय किया गया है, उससे ज्यादा का हमने कभी कैपिटल इस्तेमाल नहीं किया। ऑल्दो मैं कह रहा हूँ कि सीरीज में हम 1,00,000 का कैपिटल यूज कर रहे हैं, वो कुशन मनी है जिसको हम जनरली ट्रेड में डालते नहीं है, दिस इज जस्ट इन केस कि हमारा कहीं एक बड़ा लॉस हो जाए तो वो बचा रहे पैसा हमारा। अब मैं आपको ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ कैसे कैसे ट्रेड लिया था, एक छोटी वीडियो जिसमें आपको सारे ट्रेड्स के लॉजिक समझ में आ जाएंगे। ऑल्दो काफी इसमें ट्रेड्स ऐसे हैं जो प्राइस एक्शन के बेसिस पे हैं, काफी ट्रेड्स ऐसे हैं जो हमने फिबोनाची के बेसिस पे लिया है, जो कि हमारी मतलब स्पेशल स्ट्रैटजी है जो हम लोगों को सिखाते हैं ऑप्शन बाइंग कोर्स में। फिबोनाची वाली स्ट्रैटजी मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि काफी लोगों ने उसके लिए पैसे पे किए हैं, तो वो उनके साथ नाइंसाफी होगी। अगर आपको सीखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप फिबोनाची स्ट्रैटजी सीख सकते हो। प्राइस एक्शन पे जब भी ट्रेड लिया मैंने, मैं जरूर आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा पहला 9.5K का प्रॉफिट। लेट्स सी कि उस दिन क्या किया था हमने जो हमारा 9.5K का प्रॉफिट हुआ। तो ये था 19 तारीख की बात, राइट? 19 तारीख का ट्रेड फिबोनाची के बेसिस पे था, बिकॉज मार्केट ने कोई मतलब समझ नहीं आता कि प्राइस एक्शन हम क्या करें, राइट? तो यहाँ पे हमने फिबोनाची के बेसिस पे ट्रेड लिया। ये लाइन फिबोनाची वाली लाइन आपका इस रेसिस्टेंस या फिर सपोर्ट, जो भी आप बोलो, यहाँ पे रेसिस्टेंस और यहाँ पे सपोर्ट था, तो इसके पास वो कॉन्साइड कर रहा था, राइट? तो यहाँ पे हमने जैसे ही ब्रेकआउट हुआ उसका, यहाँ पे एंट्री करी, एक प्रॉपर एंट्री थी ये, एक प्रॉपर ब्रेकआउट था ये, और यहाँ तक का टारगेट हमने इजीली बुक किया। ओके, कुछ नहीं करना था, एक ट्रेड और पूरा का पूरा टारगेट बुक। बहुत बढ़िया ट्रेड था ये, मैं कहूँगा दिस वॉज अ वेरी गुड ट्रेड। अब हम आते हैं दूसरे दिन की बात करते हैं आपका, जैसे हमारा 2.4K का लॉस हुआ था। सो बेसिकली इस दिन हमने कुछ गलतियाँ करी, राइट? हमने कुछ गलतियाँ करी जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, गलती नहीं कहूँगा मैं, देखो एनालिसिस बढ़िया थी, रिस्क मैनेजमेंट में थोड़ी सी गलती हुई थी। यहाँ पे हमने एंट्री करी थी क्योंकि ये इनसाइडर कैंडल का ब्रेकआउट था। अगर आप इसको वन डे के चार्ट पे देखोगे तो वन डे के चार्ट पे बैंक निफ्टी एक इनसाइडर कैंडल अभी बना रहा है, ये वाली कैंडल है, इसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है, इसका ब्रेकआउट था जो ये वाली कैंडल है, हमें लगा कि ब्रेकआउट सस्टेन करेगा एंड दैट्स वाई मैंने इसमें एंट्री करी। ओके, बट वो सस्टेन नहीं किया। ओके, बट वो सस्टेन नहीं किया, उस दिन थीटा डी के बहुत ज़्यादा था, मार्केट यहाँ तक पहुँचते हमारा 9,000 रुपीज़ का लॉस हो चुका था, ऑलमोस्ट 9,000 रुपीज़ का लॉस हो चुका था। उसके बाद मतलब दिस इज़ बिग लॉस फॉर मी, 9,000 रुपीज़ का लॉस काफ़ी बड़ा लॉस था। लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया, अब ध्यान देने वाली बात होती है, देखो ट्रेड तो हमने सही लिया था, हमने फिर एक और ट्रेड ढूंढा जो कि उस दिन काफ़ी बढ़िया चला। अगर मैं उसको दिखाऊँ तो वो था बेसिकली 20 तारीख का, ठीक है, तो वो निफ्टी में लिया था हमने 20 तारीख को। यहाँ पे एक प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट हुआ था, मार्केट ने एक रिवर्सल लिया था, हम बाकी के स्टॉक्स भी देख रहे थे, बाकी के जो निफ्टी 50 के कंपोनेंट्स हैं वो भी देख रहे थे, वो भी ऊपर की तरफ जा रहे थे, यहाँ से रिवर्सल हो रहा था, राइट? तो इस पॉइंट पर जब ब्रेकआउट सस्टेन करके निकल गया, एक तो देखो
इसका रेसिस्टेंस था पहले, सपोर्ट रेसिस्टेंस जो भी यहाँ पे आप मान सकते हो, दोनों बन चुका था, इसको ब्रेकआउट किया। दूसरा एक रीजन था कि निफ्टी ने यहाँ पे एक जोन बनाया था, ये देखो एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, ये जोन बनाया था और ये जैसे ही जोन ब्रेक हुआ तो हमने यहाँ पे एंट्री करी। ये ब्रेकआउट वॉज वेरी गुड, एक बड़ी मोमेंटम मिली यहाँ तक हमें, पहला मोमेंटम ने यहाँ तक कैप्चर किया जिसमें हमारा काफ़ी लॉस कवर हो गया था, फिर इसमें भी थोड़ा मोमेंटम मैंने कैप्चर किया तो अल्टीमेट जो मेरा लॉस आया वो 2.4K के आसपास आया। ठीक है, मतलब मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था, अगर हम और चाहते तो और ऊपर का ट्रेड ले सकते थे, लेकिन मुझे लगा कि यार देखो जब हमारा लॉस रिकवर हो चुका है, इसलिए मैंने कई ऊपर नीचे ट्रेड्स लिए थे, जब लॉस रिकवर हो गया था तो फिर मैंने कहा कि क्यों ज़्यादा और रिस्क लेना, लॉस रिकवर हो गया है, लॉस छोटा हो गया है, बंद करते हैं। उस दिन मैंने ट्रेड बंद किया और फिर हम आराम से अगले दिन का वेट कर रहे थे। अब नेक्स्ट डे की अगर बात करें, नेक्स्ट डे में देखो यहाँ पे हुआ हमारा 9.2K का प्रॉफिट। तो ये बात है 21 जून की, अगर हम 21 जून को देखें तो हमने शायद बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था, 21 जून को ट्रेड हुआ था यहाँ पे, विच इज बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, क्लियरली बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, क्योंकि मार्केट पहले नीचे आया, ठीक, यहाँ पे इसने एक जोन बनाया, जोन का ब्रेकआउट होने पे मैंने इसमें एंट्री करी। मार्केट में मोमेंटम कम था, ऑल्दो मार्केट में मोमेंटम कम था, अब देखो काफ़ी कम मूवमेंट हुई है, अराउंड 200 पॉइंट की मूवमेंट हुई थी और उसी रेंज में ट्रेड करने लगा था निफ्टी, बाय निफ्टी यहाँ पे एंट्री करी हमने और यहाँ तक का टारगेट तुरंत बुक करा और वो टारगेट काफ़ी बड़ा था। ठीक है, बड़ा नहीं कह सकता मैं काफ़ी, लेकिन ठीक ठाक टारगेट था, 9.2K का प्रॉफिट वॉज गुड, तो ये हमने बुक किया प्योरली बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। अब बात करते हैं हमारा उसके बाद का ट्रेड था 9.9K, जो कि 10K अराउंड प्रॉफिट था, वो कौन सा ट्रेड था, वो बेसिकली हमने लिया था शायद निफ्टी में, राइट, वो था हमारा निफ्टी में और उस दिन थी एक्सपायरी, बम्पर एक्सपायरी वाला ट्रेड था जो कि हमने एग्जीक्यूट किया था शायद 22 तारीख है, राइट, 22 तारीख को हमने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। अब इसमें क्या था, ये वाला ट्रेड था, देखो पहला जो ट्रेड लिया था हमने वो था बेस्ड ऑन फिबोनाची, बेस्ड ऑन फिबोनाची स्ट्रेटजी, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो इस वाली कैंडल पे हमने एंट्री करी, ये ब्रेकआउट हुआ इस वाली कैंडल पे एंट्री करी, ये बेस्ड ऑन फिबोनाची था, यहाँ तक मार्केट आया, राइट। अब उस दिन मेरे को क्लियर था कि कहीं ना कहीं अगर रिवर्सल आता है नीचे से तो मैं एंट्री करूंगा, यहाँ पे इसने एक कैंडल बनाई हैमर टाइप की कुछ, उसके बाद ये दोनों कैंडल मिलके इसने क्लियर कर दिया कि मार्केट एक ऊपर की मूवमेंट देगा। जैसे ही कैंडल कंप्लीट हुई मैंने एंट्री करी और यहाँ तक का प्रॉफिट बुक किया, तो इस वाले में मेरे ख्याल से इस वाले ट्रेड में अराउंड 5 पॉइंट कुछ का प्रॉफिट था और यहाँ से ऊपर जब गया था हमारा 4 पॉइंट कुछ का प्रॉफिट था, तो ये दो ट्रेड मिला के हमारा एक काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट डे की बात करें जो कि था आपका 23 तारीख का, ठीक है, 23 तारीख को बेसिकली मार्केट वॉज नॉट गुड, हमने एक एंट्री करी थी इस ब्रेकआउट पे, एक एंट्री करी थी यहाँ पे, ठीक है, ये मार्केट ने जब ब्रेकआउट किया था, देखो हमारा मानना क्या था कि मार्केट नीचे आया, एक इसने कैंडल बनाई जो कि काफ़ी बड़ी कैंडल थी, ग्रीन कैंडल थी, एक रिवर्सल हो सकता है, तो जैसे इसने इसको ब्रेकआउट किया हमने यहाँ पे कहीं एंट्री करी थी, बट हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, एक स्टॉप लॉस हिट हो गया क्योंकि वीक का एंड था, हमारा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका था और रिस्क नहीं लेना चाहते थे हम ज़्यादा, तो वहीं पर एंड करा। उस दिन हमने 1.5K का प्रॉफिट, सॉरी लॉस लिया, मार्केट बंद किया, ऑल्दो मार्केट में कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आई थी तो इट वॉज गुड, ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं आई और अच्छा खासा हमारा वीकेंड हुआ। तो ये वीक पूरा काफ़ी अच्छा गया हमारा, नेक्स्ट वीक देखते हैं क्या होता है। आई एम प्लानिंग की जो चैलेंज चल रहा है इसमें हम वीकली भी अपडेट करते रहें आपको, क्योंकि देखो यार चैलेंज के साथ लोगों के साथ ट्रेड करना, और हाँ लाइव ट्रेडिंग की बात बतानी थी आपको, अगर आप लाइव ट्रेड करना चाहते हो हमारे साथ तो भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, काफ़ी लोग लाइव ट्रेड कर रहे हैं, काफ़ी लोग अच्छा खासा पैसे अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइव ट्रेड करने के साथ रिकॉर्ड करना फिर वीडियो एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बट आई एम ट्राइंग कि मैं आपके लिए और भी क्वालिटी कॉन्टेंट ले आ सकूँ। अगर आपको और क्वालिटी कॉन्टेंट चाहिए तो प्लीज़ चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प करो, क्योंकि अगर आप हेल्प करोगे, अगर आप हमारे चैनल को ग्रो करोगे तभी हमें मोटिवेशन आएगा कि हम और भी मेहनत करें और यहाँ पर और भी क्वालिटी कॉन्टेंट लेके आएँ, ठीक है। तो अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है अच्छी तो दिस इज द चैनल विच यू शुड फॉलो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।